एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शादी हर लड़की के लिए सबसे अहम दिन होता है। खुशी के साथ साथ ये दिन अपने टेंशन भी अपने साथ लाता है। टेंशन वाली बात है सुहागरात की। क्या सुहागरात पर सेक्स होगा और अगर हुआ तो क्या यह सुखद एहसास से भरा होगा या फिर दर्द से भरा? इस सवाल का जवाब तब तक कोई नहीं दे सकता जब तक उसे खुद महसूस न किया जाए। और अगर दुल्हन वर्जिन है तो यह उसके लिए लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस होता है। ऐसे में होने वाली दुल्हनों के लिए हम लेकर आए हैं चार अद्भुत टिप्स जिससे उनकी लाइफ आसान और टेंशन फ्री हो जाएंगी। जब एक साथ हजारों लाखों इमोशंस आपके अंदर चल रहे हों उस वक्त खुद को शांत और कंपोज रखना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे समय में अगर आप अपना आपा खो देंगी तो आपकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। सुहागरात और फर्स्ट टाइम सेक्स के बारे में चूंकि सब कुछ पहले से पता होता है इसलिए कई बार वे बेहद नीरस होता है। ऐसे में खुद को तैयार करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप रिलैक्स रहें और उस रात को पूरी तरह से एंजॉय करें ताकि वे आपके लिए यादगार रहे। ऐसी मान्यता है कि जब कोई लड़की पहली बार सेक्स करती है तो उसे ब्लीडिंग होती है क्योंकि सेक्स के दौरान उसका हाइमन टूट जाता है। लेकिन इन दिनों लड़कियां भी कठोर परिश्रम करती हैं, साइकिलिंग, राइडिंग, वाटर स्पोर्ट्स में शामिल होती हैं और इन एक्टिविटीज के दौरान उनका हाइमन टूट जाता है और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगती। इसलिए सुहागरात पर जब आप पहली बार सेक्स करें तो आपको ब्लीडिंग हो ही ऐसा जरूरी नहीं है। फिल्मों में सुहागरात को लेकर जो चीजें दिखाई जाती हैं उन्हें देखकर बेवकूफ न बने। हो सकता है जब यह रात आपके जीवन में आए तो उसमें बहुत सारी चीजें गलत हो जाएं। इसलिए इस रात को परफेक्ट बनाने की बजाय यादगार बनाने पर जोर दें। अनुभवहीन दुल्हनों के लिए जरूरी है कि वे ल्यूब का इस्तेमाल करें। थकान और तनाव की वजह आप खुद को शांत नहीं रख पाएंगी और इस वजह से उत्तेजना महसूस करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में ल्यूब्रिकेंट आपके बहुत काम आ सकता है।